नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो सिंह राशि के लिए है, जनवरी 2014 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा सूर्य ग्रह के बारे में, जो 14 जनवरी तक धन राशि में चलते हैं, जो आपकी राशि से पंचम स्थान में है। पंचम स्थान में सूर्य का भ्रमण मध्यम प्रकार का माना जाएगा। जो भी जातक शेयर बाजार सट्टा लॉटरी रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, इनके लिए शुभ नहीं है। संतान से भी थोड़ा सा टेंशन मिल सकता है, मित्रों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। लेकिन 14 जनवरी के बाद जब सूर्य चलेंगे राशि से छठवें स्थान में, तो सूर्य ये आपके लिए शुभ बन जाते हैं, राजयोग कारक बन जाते हैं। रोग शत्रु पर विजय रहेगा, गवर्नमेंट से लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा, कोर्ट कचहरी के कार्य में विजय हो सकता है। बुध चलेंगे आपकी राशि से छठवें स्थान में, जो भी शुभ है, लेकिन बुद्धि उल्टे मार्ग पर न चले उसका आपको खास केयर करना है। मंगल चलेंगे राशि से दूसरे स्थान में, कन्या राशि में, जिसके कारण वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी है, खास करके फैमिली के अंदर आंखों की विशेष केयर करें। शनि राहु चल रहे हैं आपके पराक्रम स्थान में, जो साहस में वृद्धि करने वाले हैं। गुरु चल रहे हैं आपके लाभ स्थान में, जो मित्रों से लाभ करने वाले हैं। और केतु चल रहे हैं भाग्य स्थान में, जो स्मॉल ट्रैवलिंग में, छोटी छोटी यात्राओं में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। डेट्स खास करके आपको केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार है 6, 7 और 8, जिसके अंदर जो चंद्र है वो मीन राशि में रहते हैं। मीन के चंद्र राशि से अष्टम स्थान के चंद्र है, अष्टम चंद्र में आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में केयर करना है। और डेट्स आपको केयर करना है 16, 17 और 18, जिसके अंदर चंद्र कर्क राशि में रहते हैं। कर्क के जो चंद्र है वो राशि से 12वें स्थान के चंद्र है, 12वें चंद्र में भी आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करिए चैनल। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड लक सिंह राशि जनवरी 2014।